हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपन बात करेंगे जो ईसीसी इंटरनेशनल टी20 चैंपियनशिप वीक का आज के दिन का दूसरा मैच होगा जो खेला जाएगा स्कॉटलैंड 11 वर्सेस स्पेन के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक वॉच करना है। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहले कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर मैच के बारे में, तो मैच 5 बजे स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा काटमा ओवल काटमा में। आर्टिफिशियल विकेट है, एवरेज स्कोर 100 से 120 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। अब तक यहाँ पर 106 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, 55 जीते हैं, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 51 में चेज हुआ है। इन दोनों टीमों के बीच में देखो एक मैच ऑलरेडी हो चुका है जो कि स्पेन की टीम ने 6 विकेट से आसानी से जीत लिया था। उस मैच में स्कॉटलैंड की तरफ से सी मैकब्राइड ने 56 किए थे, जैक जारविस ने 16 रन किए थे, केलम गार्डन ने 13 रन किए थे, ओ हैरिस ने 9 रन किए थे, जैक होगात ने 9 रन किए थे, प्लस एक विकेट निकाला था ए नियल और यू शाह ने एक एक विकेट निकाला था। जबकि स्पेन की तरफ से एस सलीम दार ने 25 नोट आउट किया था, प्रिंस धीमन ने 28 रन किए थे और एक विकेट निकाला था, डी डोयल क्ले ने 23 रन किए थे, गुरविंदर सिंह ने 19 किए थे, सी मनोज मिल्स ने 15 नोट आउट किए थे, यासिर अली ने 5 रन किए थे प्लस एक विकेट निकाला था, मोहम्मद कामरान और सी रुमिस्ट्रेजविक ने भी यहाँ पर 2-2 विकेट निकाले थे और आतिफ मोहम्मद को 1 विकेट मिला था। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर है, पहली बात तो भाई स्पेन की टीम भारी पड़ी थी और दूसरी बात कौन कौन से ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने उस मैच में अच्छा किया वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। पहले बात कर लेते हैं स्पेन की टीम की। स्पेन की टीम की अगर मैं बात करूँ तो 4 में से 4 मैच इनकी टीम यहाँ पर जीती है। अब देखो इनकी तरफ से अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पर ओपन करेंगे यासिर अली और डेनियल डॉयल कले। यासिर अली आपको ओपन के साथ साथ 2 ओवर भी दे रहा है, लास्ट के 4 मैच में इसके नाम 5 विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 23, 28, 5 और 14 की पारी है। डेनियल डॉयल क्ले की बात करूँ 57 नोट आउट, 2, 23 और 25 की पारी है, बढ़िया प्लेयर है ये भी। अज्जाद भट्ट देखो लास्ट लास्ट के जो 2 मैच हुए ना स्पेन की टीम की, इन्होंने ना ओपनर तो सेम रखे लेकिन इन्होंने ना नंबर 3-4 पर प्लेयर बार बार मैच चेंज किए हैं, ये बात आप ध्यान में रखना क्योंकि इनकी टीम भाई लगातार मैच जीत रही है इसलिए थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट भी लोग कर रहे हैं। अज्जाद भट्ट की बात करूँ पहले 3 मैच में इसकी बैटिंग नहीं आई, आखिरी मैच में इसने 24 रन की यहाँ पर पारी खेली थी। 2022 में इसके नाम 10 मैच में 77 रन है। मोहम्मद ईशान की बात करूँ 9 बैटिंग है, 3 नॉट आउट है और 14 है। 2022 में 21 मैच में 257 रन है। एडम एल्गर की बात करूँ पहले 2 मैच खिला नहीं, उसके बाद में 9 बैटिंग और फिर 7 नॉट आउट है। 2022 में 9 मैच में 94 रन, 23 का एवरेज है। प्रिंस धीमन की बात करूँ तो लास्ट के जो 4 मैचेस हैं वहाँ पर इसके नाम अगर आप देखोगे 6 विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 12, 15, 28, 0 है। पहले ये 1 डाउन बैटिंग कर रहा था लेकिन कल के जो 2 मैच हुए ना वहाँ पर इसने नंबर 4 या 5 पर बैटिंग की और इस मैच में नंबर 6 पर आया था। सी मनोज मिल्स की बात करूँ 9 बैटिंग, 12 नॉट आउट, 15 नॉट आउट, 9 बैटिंग है। हमजा सलीम दार की बात करूँ पहले मैच में 9 बैटिंग है, फिर 46 है, फिर 25 नॉट आउट है, फिर 0 विकेट है। 2022 में 10 मैच में 54 रन, 8 विकेट है 13 ओवर डाल के। आएंगे यहाँ से चार्ली रुमेस्ट्रेजविक, तो पहले मैच में 2 विकेट है और दूसरा मैच में इसको 1 ही ओवर मिला था। T10 में इसके नाम 8 मैच में 4 विकेट है जबकि T20 में 9 मैच में 13 विकेट है। मोहम्मद कामरान के नाम 4 मैचेस में यहाँ पर 6 विकेट से बढ़िया बॉलर है, पावर प्ले में बॉलिंग कराता है। आतिफ मोहम्मद के नाम 4 मैच में 2 विकेट है, ये आपको डेथ में ज़्यादातर बॉलिंग देगा। स्पेन की टीम की तरफ से अभी के लिए मैं रखूँगा यासिर अली, डेनियल डोयल क्ले को यहाँ पर पिक कर लूँगा, नीचे से मैं यहाँ पर प्रिंस धीमन को रखूँगा टीम में और यहाँ से मोहम्मद कामरान को रख सकते हो आप बिल्कुल टीम में और इन दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को भी आप पिक कर सकते हो। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर इनमें से कोई खेलता है उसके स्टेट्स मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे मोहम्मद कामरान यासिर अली, डेथ के ओवर डालेंगे प्रिंस धीमन, हमजा सलीमदार और आतिफ मोहम्मद। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि स्कॉटलैंड की टीम की। स्कॉटलैंड की टीम ने 4 में से 1 मैच जीता है, 3 मैच हारे हैं। इनकी तरफ से ओपन कर रहे हैं जैक जारविस और उनके साथ में आ रहे हैं ओली हैरिस। जैक जारविस की बात करूँ ओपन के साथ साथ 2 ओवर डालता है, लास्ट के 4 मैच में 5 विकेट है, बल्ले से 40, 8, 22, 16 की पारी है। 2022 में 9 मैच में 214 रन, 8 विकेट है। ओली हैरिस 0, 71, 24, 9 हिटर है, पहली बॉल से आते ही शॉट्स लगाता है। क्रिस्टोफर मैकब्राइड पहले मैच में कुछ खेला नहीं, फिर 1, फिर 7 और आखिरी मैच में जरूर 56 की पारी है लेकिन उससे पहले स्ट्रगल कर आए। तैमूर अहमद 17, 28, 23 नॉट आउट, 0 हैं। इसने भाई पहली जो 3 पारी है ना बहुत बढ़िया खेली थी।
केलम गार्डन एक एक नोट आउट 3 और 13 हैं। के सज्जाद पहले में 47 नोट आउट है, उसके बाद में 1, 5, 6 हैं। बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करवा रहा अभी ये। जय खोगाट के नाम 4 मैच में यहाँ पर 3 विकेट है, बल्ले से 6, 8 और 9 की पारी है। 2022 में 8 मैच में 13 विकेट्स हैं। फिर आएंगे ऐसे उजेर शाह, पहले 2 मैच में जो इन्होंने खेले ना उसमें 1-1 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे जिसन बासिल, 2 मैच खेला है, दोनों में विकेट लेस हैं। करंट सीजन में 25 मैच में 53 विकेट थे इसके नाम। एड्रियन नियली ज़्यादा बॉलिंग करवा नहीं रहा, 3 मैच में 2 विकेट है। 2022 में 10 मैच में 8 विकेट है। लेविस ओडोनेल आखिरी मैच खेला, वहाँ पर 1 ओवर डाला, विकेट इसको मिला नहीं था। जीएल में पिक कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे जेक जार्विस, ओली हैरिस, नीचे से यहाँ पर चले जेक होगात, उजेर शाह को आप रख सकते हो, और यहाँ से एन येली को अगर चाहो तो पिक कर सकते हो। बाकी बेंच पर इनके जो भी प्लेयर इनमें से कोई खेलते हैं उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे लेविस ओडोनेल, जेक होगात और एंड्रियन येली। डेथ के ओवर डालेंगे एन येली, जेक होगात और जे बासिर। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर अपन चलते हैं डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की बात करूँ तो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने मोहम्मद ईशान को रखा है, बैटिंग सेक्शन से मैंने डेनियल डोयल, क्ले, उजेर शाह और ओ हैरिस को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से जेक जार्विस, प्रिंस दीमन, यासिर अली को रखा है, और ऑलराउंडर बॉलिंग सेक्शन से मोहम्मद कामरान, जेक होगात, आतिब मोहम्मद और यहाँ से देख सकते हो आप सी रुमेस्टी विग्जे को रखा है। कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर देखो मैं अपनी टीम का कैप्टन बनाने वाला हूँ यासिर अली को, और वाइस कैप्टन मैं यहाँ से बनाऊँगा जेक जार्विस को। प्रिंस दीमन भी अच्छे ऑप्शन है लेकिन अभी इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, इसलिए इन दोनों के साथ ही मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। बाकी फाइनल टीम आपको आफ्टर डोज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।